हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। जैसा कि आपको पता है, मैं सुबह सुबह आपको एटलीस्ट एक अपडेट दे दिया करता हूँ ग्लोबल मार्केट्स में क्या कुछ चल रहा है। तो ये वही अपडेट है ग्लोबल मार्केट्स में। अभी भी मैं ये देख पा रहा हूँ कि फ्लैट सिचुएशन बनी हुई है। डाउ जोन्स नैसडैक ने कल शाम गिरावट के बाद थोड़ा तेजी देखने को जरूर मिली थी, गेन किया था, लेकिन वापस थोड़ा सा ऊपर ही बंद हुआ है। जरा देखते हैं उसको भी डिटेल में, साथ में सिंगापुर निफ्टी में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि इंडिया की मार्केट देखिए इधर ही से रूल होती है। थोड़ा पॉजिटिविटी जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन ना के बराबर, ऑलमोस्ट फ्लैट मैं इसको कहूँगा। क्रूड ऑयल कल अच्छा खासा गेन हुआ था, WTI और ब्रेंट क्रूड में। इन सारी चीज़ों को देखते हैं, साथ में आंकड़े देखते हैं क्या कुछ चल रहा है और निफ्टी सेंसेक्स में क्या कुछ हो सकता है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। ये काफ़ी गाइडेंस मिलती है इस चीज़ को, अगर सुबह सुबह आपको पता लग जाए कि हाँ क्या कुछ चल रहा है, ताकि आगे आप ये सोच पाए कि हाँ हम क्या एक्शन ले सकते हैं। देखते हैं, चलिए आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। नैसडैक को देख लीजिए, अब 160 पॉइंट ऊपर बंद हुआ था। अगर मैं खुलने की बात करूँ तो काफ़ी नीचे खुला था। और अगर मैं सबसे पहले एशियन मार्केट की तरफ जाता हूँ, देखिए एशियन मार्केट्स में हम सिंगापुर निफ्टी के ऊपर फोकस करते जाता हूँ। देखिए सिंगापुर निफ्टी को अगर देखा जाए तो 62 पॉइंट अप है, विच इज़ अ पॉजिटिव थिंग, बट मैं फ्लैट ही कहूँगा। जिस तरीके से इतनी बड़ी गिरावट आई है पिछले कुछ टाइम में, तो ऑलमोस्ट फ्लैट ये है। लेकिन अब देखें, पिछले कुछ टाइम से आप देखिए कि फ्लैट अप डाउन मोमेंटम चल रहा है, बिल्कुल नीचे जाता है लेकिन उसी के आसपास होवर कर रहा है कहीं ना कहीं, इंडियन निफ्टी भी एक रेंज के आसपास। बट आप देखिए धीरे धीरे करके 90 पॉइंट अप आ चुका है। और इसी तरीके से कितनी वोलेटाइल एनवायरनमेंट कितना है ये देख सकते हो। निकेई को देख लीजिए, अब जापान की निकेई है, स्ट्रेट टाइम्स हैंगसेंग ये थोड़ा सा पॉजिटिव, हैंगसेंग तो यहाँ पे 4% जंप देखने को मिला है। ताइवान वेटेड में 5% जंप देखने को मिला है, कॉस्पी में जंप देखने को मिला है। तो कुछ पॉजिटिव है तो कुछ नेगेटिव भी है। ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे क्रूड की बात करूँ तो देखिए वापसी हुई है क्रूड की, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ब्रेंट क्रूड 25-26 से लेके 30 तक पहुँच चुका है। और WTI क्रूड की मैं बात करूँ तो देखिए ऑलमोस्ट 22 के आसपास से 26 के आसपास तक ही पहुँच चुका है। तो ये सारी पॉजिटिविटी यहाँ पे देखने को मिली है। और इसके अलावा मैं बात करता हूँ नैसडैक की, डाउ जोन्स का ओवरऑल क्लोजिंग का प्राइस अगर आप देखोगे तो 188 पॉइंट ऊपर, जो कि मतलब जिस तरीके से गिरा था ओपनिंग आवर्स में उसके हिसाब से तो एक पॉजिटिविटी ही मैं लगाऊंगा इसको। और नैसडैक का अगर मैं देखूँ तो नैसडैक 160 पॉइंट यहाँ पे जंप हुआ है। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि डाउ जोन ज़्यादा जंप करता है, अगर जंप करता है तो नैसडैक कम, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस काफ़ी कम है। बट ओवरऑल सिमिलर काइंड ऑफ जंप दोनों में देखने को मिला, तो यही इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन लास्ट में आते आते अगर मैं देखूँ इनकी डिटेल, तो थोड़ा सा नेगेटिविटी जरूर देखने को मिली है। लोअर हाई और लोअर लो का फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है, जो भी ये चार्ट अभी बना हुआ दिखा है। तो ये चीज़ आप जरा समझने की कोशिश कीजिए कि भाई मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी है। और उससे ऊपर तो मैं आपको इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट बात, 2,45,000 का डेटा अब तक हो चुका है, 10,000 से ऊपर की डेथ हो चुकी है। देखिए कितनी स्पीडी मैं कहूँगा यहाँ पे स्पीड है डेथ में, 10% का डेथ रेट हो चुका है जो क्लोज्ड केसेस है उनका। कंट्रीज 179 कंट्रीज हो चुकी है। और इटली के कल शॉकिंग नंबर्स थे, शॉकिंग मीन 427 नई डेथ यहाँ पे और 5,000 नए केसेस। जरा देखें यहाँ पे चाइना के बाद, चाइना को सरपास कर दिया इटली ने। ये बहुत ही बड़ी मैं कहूँगा एक यहाँ पे सिचुएशन इटली में वर्स्ट होती हुई नज़र आ रही है। ईरान में देखिए कितने कल 150 नई डेथ है, स्पेन में 193 नई डेथ है। अब सिचुएशन देखिए स्पेन में भी बद से बदतर होती जा रही है। जर्मनी में 16 नई डेथ है। तो अमेरिका देखिए फ्रांस को सरपास कर चुका है अमेरिका, 218 टोटल डेथ हो चुके हैं। कल की डेट में 68 डेथ हुई है, यानी कि अमेरिका में कल 5,000 नए केसेज आए हैं। अगर मैं देखूं इटली के बाद अमेरिका सबसे वर्स्ट यहाँ पे इफेक्टेड लिख रहा है, उसके बाद जर्मनी, स्पेन, इन कंट्रीज़ में भी जो नंबर ऑफ केसेस है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसके अलावा डेथ की बात करूं मैं तो स्विट्ज़रलैंड, यूनाइटेड किंगडम में कल 40 डेथ है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, जो लोग यहाँ पे सीरियसनेस बढ़ती जा रही है, देखिए लोग सीरियस हो रहे हैं फिर डेथ में ये कन्वर्ट होते जा रहे हैं आंकड़े। काफ़ी दर्दनाक सिचुएशन है। और यूरोप के बाकी कंट्रीज़ को भी आप देख सकते हो कि बहुत स्पीडी यहाँ पे जंप हो रहा है नंबर ऑफ केसेस में। उसके अलावा अगर बात करते हैं यहाँ पे एशियन कंट्रीज एंड ऑल की, पाकिस्तान 454 पे पहुँच चुका है। मतलब पाकिस्तान भी काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे बढ़ रहा है, नंबर ऑफ केसेज यहाँ पे कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। इंडोनेशिया की अगर बात करूँ तो 309 है, लेकिन इंडोनेशिया में डेथ्स बहुत स्पीड से हो रही है, देखिए 25 टोटल डेथ हो चुकी है। चलिए बात करते हैं, ये सारी चीज़ें तो आपने देखी, फिलीपींस, इंडोनेशिया काफ़ी स्पीड से बढ़ रहे हैं, लेकिन इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में 192 के आसपास तक अभी मुझे केसेस देखने को मिल रहे हैं। 28 नए केसेस हैं, लेकिन 25 नए केसेस हैं, 194 का टोटल आंकड़ा यहाँ पे, 4 डेथ टोटल देखने को मिल रही है। तो इन नंबर्स को देखें और समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से अभी जो माहौल है वो बहुत ही जो है वोलेटाइल है। काफ़ी मैं कहूँगा कि
माहौल कुछ इस तरीके से है कि थोड़ा समझिए कि अभी भी स्टेट जो है अच्छी पॉजिटिव देखने को नहीं मिल रही। ऑल दो हम सेंसेक्स को अगर देखें, सेंसेक्स को आप देखिए, इसीलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में बताया करता हूँ ताकि आप एटलीस्ट समझ पाएँ और सुबह सुबह आइडिया ले पाएँ क्या कुछ मार्केट्स में चल रहा है। कल की डेट में अगर आपने देखा होगा मार्केट्स, ग्लोबल मार्केट्स में देख लीजिए आप कैसा कुछ रहा है। थोड़ा बहुत डाउ जोन्स और नेस्डेक के पॉजिटिव रहे और ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी डाउन है, फ्लैट है चीज़ें, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम ही कुछ जंप आ रहा है, कोई पॉजिटिव न्यूज़ तो आ नहीं रही है। और कनाडा की मार्केट को देखोगे तो 6% ये गिरी हुई है देखिए। तो ओवरऑल पूरी की पूरी मार्केट में एक बार मैं फिर से रिफ्रेश कर लेता हूँ क्या कुछ कहाँ अपडेटेड देखने को मिल रहा है। ये देखिए ओवरऑल मार्केट्स की हालात जो है वो अच्छे नहीं है, वो आप भी देख पा रहे हो, हर कोई देख पा रहा है। लेकिन यहाँ पे सेंसेक्स की अगर बात की जाए, लोग कहते हैं बॉटम कब बनेगा, बॉटम कब बनेगा, बॉटम मत देखिए, बॉटम के बनने के बाद जो रिवर्सल आता है वो देखिए। अगर मंथली चार्ट पे ही मैं देखूँ, जैसे ये 2015 के आसपास में जो करेक्शन आया था उस पॉइंट को अगर आप देखोगे आप कहोगे हाँ भाई ये तो रिवर्सल था। ये आप देखिए किस तरीके से गिरा था, और ये पूरा एक दिन का जंप या 2 दिन का जंप हमको रिवर्सल नहीं दिखाएगा। रिवर्सल अगर हमको देखना है तो हमको वीक या फिर हमको पूरा का पूरा इस तरीके से महीने को देखना पड़ेगा। ये देख लीजिए आप फरवरी 2016 के बाद मार्च 2016 का महीना किस तरीके से पिछली कैंडल पे हावी हुआ था और उसके बाद यहाँ पे रिवर्सल जो है कंफर्म हुआ था। ऑल्दो इस लेवल से देखिए 22,000 से 25,000 के लेवल तक ये आ गया था, बट स्टिल एक कंफर्मेशन तो चाहिए। ये कंफर्मेशन कैंडल बनी, उसके बाद आपने देखा होगा कि ये डाउन ट्रेंड की लाइन खत्म हुई। ऑल्दो आप, मैं बार बार फिर से कहूंगा कि आपको लालच नहीं करना चाहिए, एक आपको एक कंफर्मेशन सिग्नल चाहिए बड़े लेवल पे। ये तो मंथली लेवल है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा एटलीस्ट हमको। ये देखिए बिल्कुल डाउन ट्रेंड यहाँ पे खत्म हो चुका था। थोड़ा लेट एंट्री की जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पैसा डूबना नहीं चाहिए वो इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, अब वीकली को देखिए और वीकली के रिवर्सल पे आप फोकस कर सकते हैं कितनी बड़ी ये गिरावट है। अगर मैं यहाँ पे 2018 की करेक्शन की बात करूँ तो इस वीक के बाद एक पॉजिटिविटी देखने को मिली थी। कौन सा वीक है ये, 29 अक्टूबर 2018 वाले वीक के बाद देखिए कितनी गिरावट थी। और यहाँ पे जब पूरा वीक ये ग्रीन बना और इसने पिछली कैंडल को जो है सरपास किया, तब जाके एक पॉजिटिविटी यहाँ पे देखने को मिली थी। तो इस तरीके से आपको पता नहीं है या फिर किसी को पता यहाँ पे नहीं है कि रिवर्सल कैसे और क्या कहते हैं कब बनेगा, कहाँ पे होगा, क्या लेवल्स होंगे। हर कोई आपको बस ये बताएगा कि ये एक सपोर्ट का लेवल है। आप पुरानी गिरावट को देख के समझ में थोड़ा सा समझिए, जैसे आप यहाँ पे मैं पिछली गिरावट की बात कर रहा था तो इन पॉइंट्स को देखिए, गिरता रहा लोअर लो लोअर हाई बनते रहे देखिए। उसके बाद यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट हुआ और 29 फरवरी को थोड़ा पॉजिटिविटी देखने को मिली, ये लेवल पार हुआ। फिर आपने देखा कि हाँ हायर हाई हायर लो बनने लग गए हैं, उसके बाद जो है इसमें रैली देखने को मिली। तो इसी तरीके से चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, ये स्टीपनेस काफ़ी ज़्यादा है तो टाइम बहुत लग सकता है इसको, बिजनेसेस इन हॉल्ट स्टेट में कहूँगा। और इवन अगर आप इसी को नहीं, आप 2018 वाली करेक्शन को देख सकते हो, क्योंकि इस तरीके की करेक्शन जो 2018 में थी, बल्कि वो भी थोड़ा सा इतनी स्टीप नहीं थी, और उसके बाद भी उसने कई महीने कंसोलिडेशन दिखाया था। यानी कि 2008 से लेके बिल्कुल मार्च 2006 महीने का कंसोलिडेशन पीरियड इसने दिखाया था। 6 महीने का कंसोलिडेशन पीरियड अपने आप में बहुत बड़ा होता है, और इस बार तो ये क्राइसिस जो है कुछ ज़्यादा ही बड़ी है। तो इस तरीके से आपको कंसोलिडेशन देखने को मिलेंगी। पुराने पुराने फॉल से थोड़ा सा सीखिए, पुराने फॉल से ये सीख सकते हो आपकी कैसे रिवर्सल होता है, और हर फॉल्स आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। लेकिन अभी का फॉल बहुत ही स्टीप है, इसके जो परिणाम होंगे वो काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी लंबे तक हो सकते हैं। 4-5-6 महीने तो कंसोलिडेशन 2008 में देखने को मिला था, अब पता नहीं कितना कंसोलिडेशन देखने को मिल जाए। लेकिन एटलीस्ट हमें ये तो पता है कि हमको एंट्री कब करना है। अब आप कहोगे ये तो हमको पता ही नहीं है, एंट्री हमको तब करना है जब हमको रिवर्सल दिखे, जब हमको पॉजिटिविटी दिखे। फिर से मैं कहूँगा ग्रीड में नहीं आना है, क्योंकि मैं फिर से यही कहता हूँ कि बार बार आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि अप ट्रेंड में एवरेजिंग काफ़ी अच्छी बात होती है अप ट्रेंड में, और वो भी जब आप चीज़ें रिजॉल्व करके खरीद रहे हो। डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग आपके पैसे को ख़त्म करता है। मान के चलिए पूरा का पूरा अप ट्रेंड है, आपने शेयर खरीदा पहले तो इस यहाँ पे खरीद लिया, फिर आपने इसको रिजॉल्व होने के बाद खरीद लिया, इसको रिजॉल्व होने के बाद खरीद लिया, इस करेक्शन को रिजॉल्व होने के बाद खरीद लिया, तो आपको बहुत सारे मौके यहाँ पे देखिए मिले। तो इसने आपके पैसे को अच्छा खासा ऊपर जंप करके दिया। लेकिन एक बात मान के चलिए, ऑल दो यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड चल रहा था, आपने कहा नहीं गिर गया मैं यहाँ पे खरीदूंगा, गिर गया मैं यहाँ पे खरीदूंगा, मैं यहाँ पे खरीदूंगा, आपने यहाँ पे भी खरीदने की कोशिश की, वो तो ये है कि ये बहुत छोटा, एक छोटा तो नहीं कहूँगा मैं, ये बहुत जल्दी एक स्टीप, इतना स्टीप जो है डाउन ट्रेंड नहीं था, तो आपको लॉस यहाँ पे फिर भी कम हुआ होगा। लेकिन ऐसी कंडीशन में कितना लॉस हो सकता है आप जरा सोचिए।
वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।